आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर मकान बनाते हैं उसमें 4 साल लगते हैं, इतना क्या डेवलपमेंट किया हमने 4 साल में? थोड़ा खुद भी अपने आप को पूछना जब आप सवाल पूछते हैं कि 4 साल में किया कितना जा सकता है, एक लिमिट होती है ना। 4 साल में क्या इतने उनने जो है पहाड़ उखाड़ दिया आपको लगता है कोई काम किया हुआ है? साहब जब अपना होमवर्क नहीं किया है तो काहे को सवाल पूछते हैं आप? मतलब पहले होमवर्क तो जो काम घाटी के अंदर किए गए हैं वो 370 और 35A हटने के बाद बहुत ज्यादा तेजी के साथ हुए और ये कामों के बीच में एक रोड़ा बनने वाली धारा थी। यार आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर मकान बनाते हैं उसमें 4 साल लगते हैं, इतना क्या डेवलपमेंट किया हमने 4 साल में? थोड़ा खुद भी अपने आप को पूछना जब आप सवाल पूछते हैं कि 4 साल में किया कितना जा सकता है, एक लिमिट होती है ना। 4 साल में क्या इतने उनने जो है पहाड़ उखाड़ दिया आपको लगता है कोई काम किया हुआ है? सरकारी आंकड़े जो आ रहे हैं, सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं आंकड़ों के हिसाब से तो लग रहा है कि जैसे जैसे बताइए कौन सा आंकड़ा, मुझे भी सुनाइए किसका। पत्थरबाजी का जो आंकड़ा दिया है उसमें वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो कभी हाई होता था कभी लो होता था। टूरिस्ट का दिया गया है, टूरिस्ट हमेशा आते थे, टूरिस्ट आज का ही नहीं मामला, आते थे लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो टूरिस्ट अब आए हैं उसमें इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता है, पहले भी आते थे, पहले का आंकड़ा निकालिए, पहले का आंकड़ा निकालिए फिर कंपेयर करो। प्रधानमंत्री की योजनाओं की उन्होंने बात की है कि बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई थी, 25 योजनाएं की इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये तमाम बातें। इन्वेस्टमेंट कौन सा आया मुझे भी बताइए जरा, मैंने देखा नहीं है, जरा बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट आया। साहब जब अपना होमवर्क नहीं किया है तो काहे को सवाल पूछते हैं आप? मतलब पहले होमवर्क तो करिए। G20 हुआ है, अब मुहर्रम के ताजिया 40 साल के बाद निकले हैं, ये ऐसे काम है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर सही हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का ठीक है मामला, कोई ये बाकी तो अभी भी नहीं। G20 वहां पर हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम G20 सफल G20 कराने में सफल हुए हैं। नहीं वो तो पहले भी हुए हैं काफी चीजें, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यहां से बैठकर बड़ा आसान होता है वो टिप्पणी करना, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा नहीं है दैट आई वांट टू नेगेट एवरीथिंग जो आप बोल रहे, लेकिन ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जा रही है देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ ट्रुथ। जम्मू कश्मीर टोटली 80% मुस्लिम बहुल माना जाता है, 40 साल के बाद ताजिया निकला है तो सरकार तो उसको बहुत बड़ा इशू बना रही है कि बिल्कुल हकीकत में हम लोग ताजिया निकलवाने में सफल हुए हैं और वहाँ की आवाम खुश है हमसे। जब ताजिया नहीं निकलता था वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता था, खैर हम तो कभी नहीं थे उसमें रोकने में, लेकिन आई हैव टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ आवर पीपल, तब भी इट वॉज ऑलवेज अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज एंड स्टेट एजेंसीज, ये कोई स्टेट का अकेला मामला नहीं होता। वकील साहिबान जो हैं उनने अपनी दलील दी है तो हमें पूरा यकीन है उन दलीलों में, वी बिलीव वी हैव अ वेरी स्ट्रांग केस, तो वी आर ऑल वेरी होपफुल। अब तो अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाएगी, तो बस विद अ लॉट ऑफ होप वी हैव कम हियर। अकबर लोन साहब को लेकर के जिस तरह का एफिडेविट दिया गया, क्या लगता है अकबर लोन साहब को इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है या हकीकत में वो पाकिस्तानी समर्थक है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है तो, लेकिन यह है कि अदालत का मामला है, उनने एफिडेविट मांगा है तो बेहतर है हम उस पर कोई एनालिसिस ना करें या उस पर कोई डिस्कशन ना करें। 370 35A में 35A का मौजू बार बार उठाया जा रहा है, हकूकात की बात की जा रही है, मतलब वुमेन राइट्स की बात की गई है, वुमेन राइट्स वहां पर एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, खत्म किए जा रहे थे, इसलिए 35A का खत्म होना बहुत जरूरी था। क्या आपको लगता है कि J&K में महिलाओं के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा था? मुझे तो लगता है जितनी वुमेन एम्पावरमेंट J&K में है शायद ही किसी जगह है हिंदुस्तान में। वुमेन हैव फुल एम्पावरमेंट फुल राइट्स इन द स्टेट ऑफ J&K, मुझे नहीं लग रहा है किस जगह कैसे क्या कौन सी मनगढ़ंत कहानियाँ यहाँ आती हैं, बट जो जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट है आई डोंट सी वी आर सेकंड टू एनीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने अपना जो लगातार गुजर बकरवाल समाज के लोग भी यहाँ पर आए हैं और वो सपोर्ट कितने लोग जिस तरीके से तमाम दलीलें रखी गई और उसमें ये कहा गया कि जब वहाँ पर विधानसभा नहीं थी तो उसी समय जो राष्ट्रपति जी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल हो सकता था क्योंकि कोई दूसरा। देखो आप लीगल दलील बोल रहे हो, इस एक मिनट या दो मिनट में हम कितना ही एक्सप्लेन करें, वो कोर्ट जो है पिछले 50 दिन से कर रही है या 40 दिन से, तो आप रहने वो तो फिर कोर्ट का ही ये होगा। सर एक पॉलिटिकल सवाल है कि अब भारत का नाम लाया जा रहा है इंडिया को हटा के भारत शब्द संविधान में लाने की तैयारी हो रही है, मुझे इसका आई कांट कमेंट ऑन समथिंग हाइपोथेटिकल। सर G20 को लेकर जो इनविटेशन भेजे गए हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, इस तरह का ट्वीट जयराम रमेश कांग्रेस के
जो बड़े नेता है उनकी तरफ से आया है। हमें इसका कुछ पता अभी सुन रहा हूँ मैं पहली बार, डिफिकल्ट तो आंसर समझना चाहिए। क्या उम्मीद है सर अब कुल मिलाकर के यहाँ पर से क्या उम्मीद? एज आई सेड आई एम वेरी होपफुल, अल्लाह करे कि फैसला जो है हमारे हाथ में। चलिए ठीक।